इमली एंड आई लव इमली, मतलब इमली मेरी यू लव एवरीथिंग या व्हेनेवर यू हैव इन द रूम कम ऑन इट्स माय रूम आई लव ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय रूम बिकॉज़ यू नो इट्स लाइक क्लोज टू माय हार्ट. हेलो हाय, यू वाचिंग टेली रिपोर्टर एंड दिस इज मी असे आदि. अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचकर फिलहाल वी आर दी ऑन सेट ऑफ अली बाबा और मरियम जी के कमरे के बिल्कुल बाहर हम लोग हैं और वी आर गोइंग इनसाइड बिकॉज शी इज देयर. हाय, हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल. आई वुड बी ग्लैड आप लोगों को हमारा प्यारा सा रूम दिखाने के लिए. Yes, or I've got something for you as well. That is, गर्मी में body हो गई है नम नम. This is Maria. Oh, that is so cute that he's made it. So room आपका I can see is so cold because AC on है. कौन-कौन सी चीजें बहुत special हैं? Something. सबसे special हमारा मंदिर है तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे क्योंकि हम दिन की शुरुआत भी वहीं से करते हैं. Yeah. So हम सबसे पहले आपको हमारा मंदिर दिखाना चाहते हैं. तो मंदिर में हमारे गन्नू जी हैं और लक्ष्मी माँ के पैर है जैसे कि आप देख सकते हैं. Yeah. और उसके आगे हम एक कैंडल लगाते हैं और काफी सारे यू नो दिए और ये सब कभी कभी हम लगाते रहते हैं. You got it from home only, right? Yes, yes. मैंने specifically, to be very honest, ये सेट के लिए मैंने अलग से ऐसे मैं गई थी और मैंने भगवान को लाया था ये सेट के लिए. सो घर से तो नहीं लाई हूँ पर मैंने स्पेसिफिकली सेट के लिए मैं गई थी. You've done a lot of shows, तो हर शो के लिए अलग अलग यू गेट देम. या मतलब ये वाले शो में मतलब पहली बार मैंने मंदिर रखा है रूम में. इससे पहले मैंने शोज में घर पे ही मंदिर करके आती थी बट दिस इज लाइक समथिंग वेरी स्पेशल टू मी. सो यहाँ पर मैंने क्यूट सा मंदिर बनाया और लोगों को बता दूं अभी मनुल ने चीटिंग की है क्योंकि इससे पहले नहीं थी. शी इज लाइक अभी आ रहे हैं तो मैं अपने रूम थोड़ा सा सजा लेती हूँ. राइट, आई वांट दिस इज द कैंडल व्हिच आई कीप इन माय रूम. जैसे कि आप देख सकते हैं एक तो मैंने खत्म कर ली है. ये वाली खत्म हो चुकी है. ये फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स मैं रखती हूँ कि मेरी रूम में अच्छी फ्रेग्रेंस आती रहे आती रहे. शी ऑल्सो हैज अ लाइटर, डोंट गेट रॉन्ग, इट जस्ट फॉर दी कैंडल्स एंड एवरीथिंग. या इधर और भी कैंडल्स है मेरे पास. तो मैं बहुत ज्यादा एक फैन हूँ कैंडल्स की. तो फिर मैं यू नो लाइटर इज मच इजियर टू लाइट द कैंडल. तो मैं ये देखिए और भी सो लवली दिया. Yeah, I know. So I got the whole pack so that you know, बीच-बीच में जैसे ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाए तो मैं बुझा दूँ, फिर वापस मैं लाइटर से अपनी कैंडल जला रही. So talking about this area, this has AC, this has your my bag. This is the kurti that I am my mama's asked me to wear. This is my tiffin. This is cute से शोपीस है यहाँ पर सजाने के लिए. Coming to this side, this is again like ये मेरा पूरा हेयर का सामान यहाँ रहता है. ये मेरी पूरी ज्वेलरी यहाँ रहती है. ये मेरे सुबह कभी कभी ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स और वो सब खाने के लिए है. ये यू नो आई लव चॉकलेट थिंग्स. तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आके रख देती हूँ. अम्ब्रेला इज ओनली बिकॉज यहाँ पर बहुत गर्मी है एंड वी रियली नीड टू लाइक हमेशा हमें अम्ब्रेला लेकर जाना होता है और हमें यू नो हम लाइक बार बार स्पॉट दादा को परेशान करना अच्छा नहीं लगता. सो आई वुड कैरी माई ओन अम्ब्रेला एंड आई वुड गो बाय माई सेल्फ बट अभी ये टूट गई है. सो या एंड दिस इज द शॉल विच आई कैरी ऑलवेज बिकॉज मैं रूम बहुत ठंडा रखती हूँ. सो आई वेयर दिस लाइक यू नो ठंडी. सो या दिस इज लाइक माई ऑल टाइम शॉल दैट आई कैरी. यहाँ पर मेरे सारे मरियम और मैंने यहाँ पर हैंगर्स रखा है. ये मैंने हैंगर्स रखे हुए हैं जिसमें आई कीप ऑल माई मरियम आउटफिट्स एंड मर्जीना आउटफिट्स. आप देख सकते हैं ये मेरी खुद की पर्सनल कपड़े भी हैं. थोड़े कुर्ती वगैरह मैं खुद के यहाँ पर रख देती हूँ जस्ट इन केस इफ आई हैव टू गो एनीवेयर. दिस इज माई टॉप. दिस इज द थिंग दैट आई वॉज वेयरिंग टूडे. दिस इज अगेन मरियम आउटफिट. सो या ये मेरा खुद का पर्सनल है जो मैं अभी नया नया लेके आई हूँ. सो दिस इज माई हैंगर वेयर आई यू नो हैंग ऑल माई क्लोथ्स एंड दिस इज माई मेकअप टेबल जहाँ मैं बैठकर रोज मेकअप करती हूँ. एंड यहाँ मैं यू नो आई वॉज ईटिंग दिस जेली इमली एंड आई लव इमली. मतलब इमली मेरी इट्स माई रूम. आई लव ईच एंड एवरी थिंग अबाउट माई रूम बिकॉज यू नो इट्स लाइक क्लोज टू माई हार्ट. So yeah, like this is my cute makeup table. This is my place where jam.
there in the drawers. The drawers. Okay, so यहाँ पर भी ये जो थोड़ी मरियम की ज्वेलरी है मेरी, ये मेरी शहजादी वाली ज्वेलरी है जो हम यहाँ रखते हैं, ये नहीं नहीं है, रूम फ्रेशनर है ये. एंड ये वाले इसमें है आई थिंक एक अचार है यहाँ पर. यहाँ पर मैं, मुझे अचार बहुत पसंद है, सो दिस इज लाइक अ सॉस. देन ये मेरा यू नो गर्मी बहुत ज्यादा है, सो मैं ये लेमन टी लेकर आ जाती हूँ, आइस टी. या सो दैट हाजमोला आई आल्सो सो हाजमोला. या इज इट या ओ या दिस इज दिस सो दिस इज लाइक हां थैंक यू सो मच. ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, ये मेरे माउथ फ्रेशनर्स है जो इस खाने के बाद हम खाते हैं कभी कभी. एंड या हाजमोला, सो ये मेरी हेयर दीदी ने मुझे लाके दिया था बिकॉज शी नोज आई लव चटपटा अलॉट. सो या सो आई जस्ट कीप दैट इन दिस. और ये सब मेरे मेकअप का सामान रखती हूँ मैं इसमें. यहाँ पर पूरा मंदिर का सामान है और कैंडल्स है, बनाना चिप्स है, और यहाँ पर मेरा मेकअप का सामान है. एंड फॉर सेट के जितने भी लोग हैं, हम बहुत धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो मैं सेट पे है ना सबको मास्क बांटते रहती हूँ. सो मैं अभी एक पैकेट मैंने खत्म किया जिसमें से ये थोड़े से बचे हुए हैं. सो नाउ इतने से बचे हुए हैं तो मैंने सोचा एक पूरा पैकेट ला के रख देती हूँ, तो मैं सेटिंग जितने सेटिंग दादा है लाइट दादा. या एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी सेफ. आई वॉन्ट कि यू नो हम सेट, अगर आप आएंगे हमारे सेट पे, हमारे तीन सेट है, एक आम मामूली गली, एक शाही महल, तो और ये एक है जहाँ पर हम क्रोमा वाले शॉट्स करते हैं, जहाँ सिम सिम उड़ते हैं और वो सब, जब हमारे उड़ने उड़ने वाले शॉट्स होते हैं, एक्शन वाले शॉट्स होते हैं. तो हम तीन सेट पे काम करते हैं, तो तीनों सेट पे ना बहुत धूल होती है कभी कभी. तो जितने सेटिंग दादा और लाइट दादा ये सब जो काम करते हैं धूल मिट्टी में, हम तो फिर भी कभी कभी हमें मिल जाता है एसी, बट उन्हें तो बेचारों को मिल ही नहीं पाता. सो यू नो उनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है. सो आई गॉट इट फॉर देम. और अभी बचता है सिर्फ एक ही अंदाज, वो है बैठ कर, क्योंकि वहाँ पे आप सुकून लेती हैं, टहल लेती है. वहाँ ही हम बैठेंगे. अब आपको हम आगे की स्टोरी वहाँ बताएंगे. यहाँ हमारी प्यारी सी स्क्रिप्ट है जहाँ हम यहाँ पर आके रीडिंग करते हैं, हमारी स्क्रिप्ट के गो थ्रू करते हैं, और यहीं पे हम बैठे बैठे टेका लेकर रेस्ट करते हैं. हमारा क्यूट सा छोटू सा पिलो है, तो हम ये क्यूट से छोटू से पिलो पे बैठते हैं ऐसे टीका लगकर और लाइनें लर्न करते हैं. आई गॉट अ क्वेश्चन, फटाफट से पूछना चाहूंगा. डस्टबिन में फ्लावर्स हैं, ज़ूम इन किया जाए, ये किसके हैं, क्यों फेंके गए हैं? दिस इज ये मेरे फ्लावर्स है. सो दीज फ्लावर्स, आई लव टू गेट फ्लावर्स फॉर माई सेल्फ. सो ये फ्लावर्स मैं खुद को खुश करने के लिए लेकर आ जाती हूँ. और इसमें चीज बॉल्स भी है, जो आपने देखा होगा मैंने चीज बॉल्स खा लिए ऐसे ही. That was it. It was wonderful having your room on our camera. Thank you so much. Thank you so much.